गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नाम बी आर खेबाड़ी फ्रॉम महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, ये जो स्टेटमेंट जो आया है मेरे पास, ये एक यूएसए के डायमंड मास्टर है। और एक्चुअल में डायमंड मास्टर के लिए कमीशन कितना आता है, इसका हम थोड़ा सा एक कैलकुलेशन देखेंगे, जो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसका कैलकुलेशन देख के ही। फ्रेंड्स, अगर देखेंगे हम एक पाँचवें महीने में, ये जो पाँचवा महीना है यहाँ से, एक पाँचवें महीने से पूरा एक छठे महीने तक, यानी एक महीने में उसको कितना कमीशन निकला है, तो इसका हम थोड़ा सा एक कैलकुलेशन करेंगे। तो 5/4 को उसका पहला कमीशन आया था, जो डेली जनरल कमीशन है, वो लगभग कोरियन वॉन में 33,21,240 कोरियन वॉन में था। लेकिन हम यूएस डॉलर की बात करेंगे तो उसका एक दिन का कमीशन लगभग 3,32.99 डॉलर उसका एक दिन का कमीशन था। उसके बाद ये 7 तारीख दिख रही है पाँचवें महीने की, उस 7 तारीख को उसको मास्टरशिप बोनस आया था, जो कि यूएस डॉलर में लगभग 1,957 डॉलर उसका एक 15 दिन का मास्टरशिप बोनस था। उसके बाद 12 तारीख को उसका फिर से कमीशन निकला है, जो कि मैचिंग कमीशन था, वो लगभग था 2,808 यूएस डॉलर। उसके बाद 12 के बाद 7 दिन के बाद जो हमारा मैचिंग जो आता है पर डे का, वो 7 दिन के बाद अकाउंट क्रेडिट होता है। तो 19 तारीख को उसका देखेंगे तो उसको फिर से 7 दिन का मैचिंग कमीशन आया है 2,339 यूएस डॉलर। उसके बाद उसको 22 तारीख को फिर से मास्टरशिप बोनस आया है, वो फिर से मास्टरशिप बोनस लगभग 2,135 यूएस डॉलर का है। और उसके बाद लास्ट जो 26 तारीख है पाँचवें महीने की, उसमें फिर से उसको 2,819 यूएस डॉलर का कमीशन निकला है। यानी टोटल हम कमीशन की बात करेंगे तो वो टोटल 15,090 यूएस डॉलर, यानी 15,090 यूएस डॉलर का कमीशन निकला है। इसको हम अगर 70 रुपये से भी कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल महीने का कमीशन निकलता है फ्रेंड्स 10,56,300 रुपये का। तो ये मैं आप सबको ये शेयर करने वाला हूँ, इसका आप भी कैलकुलेशन करो, क्योंकि डायमंड लेवल को अगर 10 लाख रुपये का कमीशन आता है तो फ्रेंड्स एटोमी में बहुत सारा पैसा है। तो सीरियसली इसमें टीम बिल्ड करो। थैंक यू वेरी मच।